अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर शब्बीर अहमद मलिक और आज का दूसरा सेशन है ब्रेस्ट मिल्क के ऊपर और आज बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे ब्रेस्ट मिल्क से रिलेटेड, जो कि इसकी करेक्ट वे टू गिव द ब्रेस्ट फीडिंग किस तरीके से दी जाए। तो इससे कबल हम बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि हमारे पिछले वीडियो के ऊपर बहुत सारे फीडबैक्स हैं और सेकेंड बहुत सारे ग्रुप्स हैं, लोगों ने इसको इस मटेरियल को यूज़ भी किया और ख़ासकर जो इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम मैचुरेशन और विजुअल एक्विटी एंड आईक्यू से रिलेटेड है और बच्चे की इम्यूनिटी से मुतालिक के किस तरीके से ये प्रिवेंशन करता है और बच्चे को महफूज रखता है मुख्तलिफ इन्फेक्शन से, और ये मुख्तलिफ जगहों के ऊपर इसको इस्तेमाल किया गया और लोगों ने इसको प्रमोट किया, इससे बहुत ज़्यादा हम शुक्रिया अदा करते हैं। और आज का जो सेशन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम ब्रेस्ट मिल्क किस तरीके से दें जो कि इफ़ेक्टिवली बेबी ले भी ले और उसका हमें आउटकम भी अच्छा लगे कि इस सूरत में कि उसकी ग्रोथ वेलोसिटी और ग्रोथ उसकी प्रॉपरली हो। तो उसमें तीन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। एक तो उसकी पोजिशन है कि हम जब भी ब्रेस्ट मिल्क दें उसको बिल्कुल करेक्ट पोजीशन के ऊपर दें, और सेकंड उसकी जो है क्वांटिटी और क्वालिटी, थर्ड है क्वालिटी। तो फर्स्ट हम ये बात करेंगे कि पोजीशन क्या होनी चाहिए जो कि करेक्ट पोजीशन। तो करेक्ट पोजीशन के लिए चार चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। एक तो पिछला जो बैक हो जहाँ पे मदर बैठी हुई हो बिल्कुल हार्ड चीज़ हो और मदर उसको स्ट्रेट बिल्कुल बैठी हुई हो और उसको ऐसा हो कि वो फ्लैक्स ना हो ड्यूरिंग द फीडिंग, तो एक ही हो गया। सेकंड ये हुआ कि बच्चे का जो पेट है वो माँ के पेट के साथ हो और क्रॉस के अंदर वो जिस साइड का भी मिल्क पिलाना चाह रही हो उस साइड पे करें। थर्ड उसकी ये है कि उसकी ग्रिप इतनी अच्छी होनी चाहिए कि ऊपर से हमें विजुलाइज हो नीचे से नहीं हो, और उसके लिए ज़रूरी है कि उसका चिन का वहाँ टच होना और ऊपर के लिप्स को नीचे के लिप्स को अच्छे से ग्रिप में पकड़ लेना। तो ये चार चीज़ें ऐसी हैं जो कि इस बात की वारंटी देती है कि ये पोजीशन बिल्कुल करेक्ट है और बेबी इस पोजीशन में बहुत अच्छे मकदार में मिल्क भी ले लेता है और कंफर्टेबल रहता है। तो पोजीशन का होना, अच्छे पोजीशन का होना इसलिए ज़रूरी है कि बाद-ए औकात पोजीशन सही नहीं बनने की वजह से बेबी दूध नहीं ले रहा होता है। और दूसरी है जो उसकी क्वालिटी ऑफ मिल्क है, जैसा कि हमने पहले बताया था कि उसके अंदर फोर्टिफाइड एंड नॉन फोर्टिफाइड मिल्क दी जाती है। कुछ प्रीमेच्योर बेबीज ऐसे होते हैं जिनको ये फोर्टिफाइड मिल्क देना ज़रूरी होता है ताकि उनकी ग्रोथ और ग्रोथ वेलोसिटी विद इन नॉर्मल बढ़ रही हो। और थर्ड उसकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि क्वांटिटी हम कितनी दें। तो क्वांटिटी के लिए ये है कि आपके पास 15 से 45 मिनट के एक सेशन में टाइम होता है, लेकिन डेटा और ये सारे रेफरेंसेस ये शो करते हैं कि तकरीबन 18 मिनट के अंदर अंदर बेबी सेटिस्फाइड हो जाता है और अपना जितना रिक्वायर्ड मिल्क है ले चुका होता है, और इसी को ऑन डिमांड फीडिंग कहते हैं। स्केजुअल नहीं देते कि हम 2 औंस या 1 औंस या 4 औंस बेबी को दें, जितने पे वो सेटिस्फाइड हो जाए समझ ले यही उसकी रिक्वायरमेंट है। तो ये तीन चीज़ों का होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ हम कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ दें, तो एक दिन के अंदर जो बेबी को कम से कम 8 से 10 दफ़ा मिलना चाहिए, जो कि 2 से 2.5 घंटे का ड्यूरेशन बनता है गैप, और मिल्क देते ही उसको बर्पिंग करवाई जाए और बर्पिंग करने का भी तरीका आना चाहिए मदर को कि किस तरीके से वो सीने में लगा के पीछे की तरफ मुंह करके और पीठ की तरफ सहलाती रहे उस वक्त तक के जब तक के बच्चा निकाल ना ले। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कि उसके बाद उसको जो लिटाएं तो वो थोड़ा सा इंक्लाइंड और लेफ्ट लेटरल पोजिशन उल्टे की साइड पर लिटाएं ताकि दूध बेहतर तरीके से नीचे की तरफ जाए और जज्ब हो जाए, क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी से लेकर 4.5-5 महीने तक के बेबी के अंदर दूध का बाह ऊपर की तरफ आना या कोई भी लिक्विड अगर ले रहा हो बेबी, जैसा कि नॉन ब्रेस्ट फीड बेबी लेते हैं तो वो बाहर की तरफ निकल, इसको रिफ्लक्स कहते हैं। तो हर 10 में से 6-7 बेबीज को ये होते हैं इस वक्त।
तो ज़रूरी यह है कि इससे बचा जाए। और इसको जब आप बर्पिन करवा लेते हैं और करेक्ट पोजीशन पे उसको रखते हैं तो चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। तो उसके साथ साथ ये है कि मंथली कम से कम एक दफ़ा बेबी के वज़न को ग्रोथ चार्ट के अंदर प्लॉट करना चाहिए, ताकि हमें इस बात का भी अंदाज़ा हो कि ये जो हम ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हैं, जो कि 4.5 महीने तक के बेबी को तो बिल्कुल ही ज़रूरी है कि वो सिर्फ ब्रेस्ट फीड पे ही रहे और कोई दूसरी चीज़ उसको ना दी जाए, तक कि पानी की भी ज़रूरत नहीं पेश आती, क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर 87% से 88% 87% 88% अबव जो है उसमें वाटर मौजूद होता है, तो इसलिए उसकी ज़रूरत नहीं पेश आती है। और हम ग्रोथ वेलोसिटी से इस बात का अंदाज़ा कर रहे होते हैं कि ये प्रॉपरली ये फीड ले रहा है और इसकी ग्रोथ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और ये एक रेड अलर्ट होता है कि अगरचे आप बहुत ही प्रॉपरली मिल्क दे रहे हैं क्वांटिटी क्वालिटी वाइज, लेकिन बावजूद इसके बेबी वजन नहीं पकड़ रहा हो, तो पहली फुर्सत के अंदर आपको एक बच्चों के डॉक्टर को ले जाके दिखाना चाहिए। तो उम्मीद है कि ये वीडियो में भी काफ़ी कुछ आपको मालूम मिली होगी, और नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।